जी वेलकम बैक। और ये देखें, ये फूल मैंने बनाया है। मैं और कोई काम ना हुआ तो कम से कम ये काम तो कर सकूंगी। अच्छा जी, आज हम इसको फूल को कहते क्या है? इसको ट्यूबरोज। ट्यूबरोज, ट्यूबरोज है जी ये। और इस वक्त हम रोज बनाना, अगर आप नहीं, आपको पता है कई दफा पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये नए फ्रेश रोजेज अगर नहीं ले सकते तो आप ये भी रोजेज बना सकते हो। और ये ऐसे रोजेज हैं जो कभी मुरझाएंगे नहीं, सबसे खूबसूरत बात यह है इनकी। अच्छा जी, अब दूसरा आप हमें ट्यूब रोज के साथ आप एक रोज बनाना, रोज बनाना सिखा रहे हैं। मेरा जो फूल है वो बहुत अच्छा। जो डो है इसके अंदर कलर किस वक्त आप ऐड करते हैं? कम से कम उसके डो बनाई है उसके 12 घंटे के बाद। अच्छा, यानी कि तो अगर क्या, कौन सा रंग उसमें आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रेड येलो ग्रीन तो इजीली मिल जाता है। उसके अलावा उसमें ऑयल कलर, ट्यूब कलर जो आते हैं ऑयल, अच्छा वो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आप इसके अंदर जरा थोड़ा ऑयली ऑयली रखते हैं क्रीम, जिस तरह से मैं देख रही हूँ कोल्ड क्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ये देखिए, अच्छा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से ये है। ये पहले बस जस्ट मैंने लेके डो इसको बिल्कुल यू बारीक किया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मोटा रहने दिया क्योंकि इसने बर्ड की शक्ल में आना। राइट, आप देख रहे हैं क्लोज इसका। अच्छा, ओ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। ये पिंक रोज बन रहा है। ये पिंक रोज आप जब बना लेंगे तो मैं अपने यहाँ पे कानों के पीछे लगा लूंगी बिकॉज मेरे कपड़ों के साथ भी मैच कर रहा है कलर। अच्छा ये, अच्छा थोड़ा थोड़ा करके आप इसको। हाँ जी, नेक्स्ट से मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगी, अभी तो फिलहाल मैं अपने तरीके से बना रही हूँ ना, बेसिक बताऊंगी कि कितनी डो लें और कैसे इसको करें। वाओ, ये देखें, ये एक एक पीस करके उसको जोड़ा जा रहा है और साथ साथ आप देखेंगे किस खूबसूरती और नफासत के साथ। ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं जुर्रत भी नहीं कर सकती सोचने की भी कि मैं ये बनाऊँ बिकॉज ये इसको और ये बिल्कुल इतनी बारीक होनी चाहिए जैसे रियल फ्लावर की आ रही होती है ना, बिल्कुल लुक वो आनी चाहिए। मैं इसका ट्यूब रोज बना लेती हूँ। ठीक है, इसका पिंक वाला बिकॉज अभी मुझे, मेरे ख्याल ट्यूब रोज के अंदर माहिर होना चाहिए। मैं एकदम से छलांग मार के और रोज ना बनाऊं। मजे की बात जी कि मैंने रोज से स्टार्ट किया था। अच्छा, ट्यूब रोज मेरे लिए बहुत मुश्किल था। रियली? मुझे बहुत मुश्किल लगता था, वो सीजर से जो कट लगते थे ना। हाँ, वो लगाने बड़े मुश्किल थे इक्वली। अच्छा, और वो इक्वल होना बहुत 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 मुश्किल से सारी सारी रात फेंट के। अच्छा, मैं उसको ट्राई किया करती थी। ज्यादा मुश्किल नहीं? नहीं, ये बहुत इजी है। अच्छा, ये इजी देखने में तो ये ज्यादा मुश्किल है। बस इस तरह ये है कि बर्ड, बर्ड के बाद दो पेटल्स, उसके बाद तीन। सही, ये तकरीबन हमारा हाफ रोज आ जाता है इसमें। इसके बाद फिर इसको थोड़े साइज को बड़ा करेंगे पेटल्स को। ठीक है, तो ये मजीद आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, कोई नहीं इसमें, यानी कि हर साइज के रोज होते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। ये देखिए, अब हमने इसको थोड़ा सा और बड़े साइज में। ब्यूटीफुल, बहुत ही मेहनत का काम है मगर बहुत खूबसूरती के साथ। अगर आपको शौक है वाकई में सीखने का तो फिर तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जो फ्लावर है ये कौन सा वाला है? लेकिन ये जो भी है, अच्छा बहुत है। क्या कहते हैं इसका, मेरे नाम ज़हन से निकल गया। इसको किस तरह से बनाते हैं? इसको, इसका भी मैं तरीका बताऊंगी। अच्छा, इसको कैंची से कट करके, अच्छा, सीजर से कट करके। अच्छा, तो ये कार्निशिया। हाँ, कार्निशिया, कार्निशिया। अच्छा, आपने मुझे कहा कि इसको हम धो भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल। मैं तो धो के मैं बताती हूँ आपको ना, इसमें जब हमने फ्लावर के एंड करना है तो ये जो फर्स्ट में पेटल जो हमारी लगी है उसको खोलना है। ये पेटल यूं रख के इसके अंदर इसको लगा के और ये इसका एंडिंग। ओके, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, ओरिजिनल फ्लावर से भी ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, अगर तो इसको अगर हमने इस तरह की स्टेम में लगाना है तो इसके लिए फिर वही वायर पहले, मगर ये होगा कि बर्ड ड्राई कर लेंगे। अच्छा, इस पर लगा के, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये गिर जाएगी। क्या ड्राई कर लेंगे?
जो सबसे पहले बड बनाई है उस पे लगा के कम से कम एक दिन उसको हम ड्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी के पेटल्स लगेंगे वो नेक्स्ट जब हम बनाएंगे ना तो साथ साथ उनको बताएंगे। और अगर हमने जैसे ये अरेंजमेंट करनी है, ये करनी है, ये करनी है, इसके लिए ये होगा कि इसको हम ये कट कर लेंगे। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप छुरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, छुरी यूज कर सकते हैं, कटर्स भी मिल जाते हैं, कटर मिल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने इसको काट दिया और उसके साथ आप अटैच कर इनकी इस तरह लगा के इस तरह के फिलर भी मैं बताती रहूंगी बनाने साथ साथ। अच्छा, अब मुझे धोने का तरीका बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर फर्ज करें आपने ये धोना है, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मेरे पास टूथब्रश के साथ यूं, ठीक है, टूथब्रश के साथ आपने यूं किया, ठीक है, और इसको और टूथब्रश के साथ सिर्फ आपने पानी के साथ, हाँ जी, पानी के नीचे रख के जस्ट यूं किया और झाड़ा, ठीक है, और पंखे के नीचे आप दैट्स इट, क्योंकि जब पड़ा रहे काफी देर। और इसी तरह ये है, इसको आप पकड़ते हैं जैसे यूं और टब में सर्फ डाल के इसको हलाया, ठीक है, अच्छी तरह से, फिर इसको झाड़ के पंखे के नीचे ड्राई कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह, और मुझे यकीन है कि बहुत सारी मेरी सहेलियां जो है वो इससे फायदा उठाएंगी, सीखेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है जो घर बैठे आपके बहुत काम आ सकते हैं, आप कमा भी सकती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि एक हुनर जो है वो आपको अपनी मैचिंग ज्वेलरी इसमें बनती है कि आप बाजार से तो वो मिलेगी नहीं आपको ना इतना। चलिए जी, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें सीखिए और अपने घर को भी डेकोरेट करें, अपनी प्यारी प्यारी सी खुद के लिए भी ज्वेलरी बनाएं। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आज के जो गेस्ट्स हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, बहुत सा हल्ला गुल्ला होने वाला है, बिकॉज़ वो तीन बहुत ही अहम लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, नहीं कॉमेडियंस नहीं है, मगर उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम। मुलाकात होगी उनसे इस ब्रेक के बाद।